अब सीधा बिना देर किए हम ले चलेंगे आपको मैनपुरी, जहां पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और मेरे सहयोगी नितिन ग्राउंड पर मौजूद हैं, जो हर एक तस्वीर दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। नितिन, दिखाइए जरा मैनपुरी में किस तरीके से मतदान हो रहा है और कितना उत्साह वहां पर मतदाताओं में नजर आ रहा है। नितिन, आवाज मिल पा रही है आपको? देखिए, बिल्कुल आवाज मिल पा रही है। देखिए, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, अगर आज आपने वोट नहीं किया तो आपकी कोई शिकायत आप नहीं कर सकते सिस्टम से, आप ना सरकार से कर सकते हैं ना नेताओं से कर सकते हैं। पर ऐसे में लोग वोट की चोट से कहीं ना कहीं लोकतंत्र को, स्वस्थ लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत करने की कवायद कर रहे हैं। देखिए, मैनपुरी की मतदाताओं की भारी भीड़ है। राजकीय इंटर कॉलेज के बाहर मैं खड़ा हुआ हूँ, युवा हैं और सीनियर लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं सब पहुंच रहे हैं। बात करते हैं किस तरह से, क्या देख रहे हैं कि लोग निकल रहे हैं वोट कर। आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं युवाओं से यही अपील करना चाहता हूँ, पहले मतदान फिर जलपान का संकल्प लेकर अपना मूल्यवान वोट देकर हमारे देश को अच्छी सरकार के हाथों में देने का कार्य। किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं आप? तो बाबा जी की सरकार अच्छी है। हाँ। राशन फ्री, सब चीज फ्री, कोई लड़ाई ना है, बहुत दाई ना है, कोई बड़ा मुद्दा है। आप बताइए क्या लग रहा है, वोट कर दिया? वोट कर दिया अपनी। मैनपुरी बड़ा सुर्खियों में बना हुआ है जब से करेल में एसपी सिंह बघेल भी अखिलेश, दिक्कत नहीं है। क्या चला, किन मुद्दों पर? मुद्दा यहाँ तो सबसे बड़ी सुरक्षा है। सबसे पहले सुरक्षा इतनी बढ़िया है कि यहाँ कोई भी बहन बेटी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है और हर चीज़ से सुविधा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है किसी को। इसलिए यहाँ हम सभी कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। बीजेपी को चाहिए आप सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के जनता से निवेदन करता हूँ कि अपना मूल्यवान वोट पहले दें, जलपान बाद में, पहले वोट उसके बाद जलपान। मुद्दों को लेकर आज सबसे बड़ा मुद्दा है गुंडागर्दी खत्म, खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई है। बहन बेटी सुरक्षित है, पहले बहन बेटी निकल नहीं पाती थी हमारे यहाँ से। बिल्कुल नितिन, कई सारे मुद्दे हैं और उन मुद्दों को लेकर जनता आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी कर रही है।